सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिखाती है जो डेफिनेटली लाइफ में हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर पाएं। डिफरेंट सिचुएशंस हमें डिफरेंट चीज़ें सिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि एक ही सिचुएशन से हम सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, और उन सिचुएशन से जो हमें एक एक्सपीरियंस होता है, हमें जो एक नई सीख मिलती है, कहीं ना कहीं हमें उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हमें पहले से बेहतर इंसान बनना चाहिए। हर एक कहानी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत क्लियर और ग्रेट मैसेज होता है, और वो मैसेज शायद इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन शायद इसी के साथ हम ये कह सकते हैं लाइफ में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा उससे मुश्किल है, लेकिन अगर हम डिटरमाइंड हैं, अगर हम दृढ़ निश्चयी हैं, तो डेफिनेटली वो मैसेज लाइफ में इम्प्लीमेंट कर हम अपने आप को पहले से बेहतर बना सकते हैं। आज की कहानी भी इसी प्रकार से है कि आप लाइफ में जो सारी चीज़ें आप करने की सोच रहे हैं और उनको अवॉइड कर रहे हैं, उसकी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वजह है, और उस वजह को अगर आप पहचान लें और डेफिनेटली उसको दूर करने की कोशिश करें, तो आप वो डिसीजन जो लेना चाह रहे हैं और काफ़ी समय से डिले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे डिले करना बंद कर देंगे। तो कहानी का नाम है बंदर की सीख, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार सी ये कहानी है जो कहीं ना कहीं आपको अपने डर पर विजय हासिल करने में मदद करेगी। तो बंदरों का एक सरदार बड़े से पेड़ पर बच्चों के साथ बैठा था। उन्हीं में से एक बच्चे ने कहा कि मुझे कुछ पत्तियां खानी हैं, क्या आप मुझे कुछ पत्तियां दे सकते हैं? तो बंदरों को सरदार कहता है कि आप खुद जाकर पत्तियां ले लीजिए, जैसी पत्तियां तुमको चाहिए तुम जाकर खा सकते हो। तो बच्चा बोलता है कि मुझे ये पता नहीं है कि कौन सी पत्तियां अच्छी है मुझे खानी चाहिए और कौन सी पत्तियां नहीं खानी चाहिए, तो आप मेरी इसमें मदद करिए और मुझे वो पत्तियां हाथ में ला के दे दीजिए ताकि मैं वो अच्छी पत्तियां खा सकूँ। तो यहाँ पर बंदरों का सरदार उन्हें समझाता है कि देखिए, आपके पास दो विकल्प हैं। अगर आप पुरानी सी पत्तियाँ खाना चाहते हैं, सड़ी और थोड़ी बेकार पत्तियाँ खाना चाहते हैं, तो वो पेड़ के नीचे की तरफ लगी हुई है, वहाँ जाकर आप आराम से उन पत्तियों को ले लीजिए और वहाँ से खा सकते हैं। लेकिन उसी की जगह अगर आप ताज़ा, नरम और फ्रेश पत्तियाँ खाना चाहते हैं, तो आपको पेड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, और वो पेड़ की जो पत्तियाँ हैं, वो पेड़ की जो टहनियाँ हैं, वो इतनी नरम, इतनी हल्की है, नरम है कि टूटकर गिरने की थोड़ी संभावना है। यहाँ पर ये आंसर सुनने के बाद वो बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, थोड़ा टेंस्ड हो जाता है, और वो पूछता है कि ये ताज़ा जो पत्तियाँ हैं, जो फ्रेश पत्तियाँ हैं, जो नरम पत्तियाँ हैं, वो ऊपर ही क्यों लगती है, नीचे क्यों नहीं लगती, ताकि हर कोई उन्हें आसानी से खा सके। यहाँ पे सरदार उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो पत्तियाँ नीचे लगती तो हर कोई उन्हें आसानी से खा लेता और उनकी उपलब्धता बहुत कम होती। अगर तुम वो पत्तियाँ खाना चाहते हो, बच्चा यहाँ पे कहता है कि अगर मैं वो पत्तियाँ खाना भी चाहता हूँ, तो इसमें रिस्क इतनी है कि उन पतली टहनियों पर चढ़कर शायद मेरा पैर फिसल जाए, वो टहनियाँ टूट जाए और मैं गिरकर नीचे आ जाऊँगा, मेरा पाँव टूट जाएगा, मैं चोटिल हो जाऊँगा। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसमें खतरा बहुत ज़्यादा है, तो मैं ऐसा काम करूँ या ना करूँ? तो यहीं सरदार उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि देखिए, बहुत सारे बंदरों को ये पता है कि ये पत्तियाँ जो है, नरम पत्तियाँ हमेशा ऊपर ही लगती हैं, नीचे नहीं होती है, और वो ये खतरा जितना है उससे बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, और इसीलिए शायद वो जो करना चाहते हैं उसको हमेशा वो अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर बंदर नीचे लगी पत्तियों को ही खाते हैं क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है। लेकिन अगर तुम जो डर की एक बहुत बड़ी सी इमेज अपने मन में बना के बैठते हो कि शायद ये काम मुश्किल है और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसको कहीं ना कहीं तुम्हें तोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इस दुनिया में हम देखेंगे कि वैसे होते हैं जो अपने डर की वजह से बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो लेने चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। सरदार उस बंदर को समझाता है कि अगर तुम चाहते हो कि वास्तव में कुछ ऐसा काम करो जो बाकी बंदर नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो रिस्क लेना ज़रूरी है। ये जो जंगल है, ये अपार संभावनाओं से भरा पड़ा है, और यहीं पर ये हमारा एक ग्रेट मैसेज बाहर निकल के आता है कि लाइफ के बहुत सारे काम जो हमारे लिए ज़रूरी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, आई एम टॉकिंग दोज ऑल वर्क्स विच आर रियली इम्पॉर्टेंट टू समवेयर टेक द ग्रोथ इन लाइफ, जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए वो काम इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो सक्सेस है, वो बहुत ही मीडियोकर रहेगी, बहुत ही नॉर्मल रहेगी। जैसे यहाँ बंदर के लिए समझाया गया है कि वो
ऐसी पतिया खा रहा है जो किसी प्रकार का काम कर रहे हैं जो लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ या सक्सेस दे नहीं रहा है, तो डेफिनेटली आप वो सारी रिस्क जो हमें लाइफ में लेनी चाहिए उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। सो नेवर एवर फियर एट ऑल टू टेक द डिसीजंस विच आर रियली नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ एंड सक्सेस। ऐसा कोई भी कार्य जो लगता है आपको कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि कोई भी डिसीजन अगर आपके अंदर डर पैदा कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको हेजिटेट कर रहा है, और आपको लगता है कि वो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन हेजिटेशन की वजह से नहीं ले रहे हैं, तो आप एक क्लियर इंडिकेशन ये समझ सकते हैं कि वो आपकी ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मल डिसीजन में कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मार्केट जाकर आप 1 किलो केले खरीद के लाएंगे, इफ़ यू आर गोइंग टू बाय 1 kg बनाना, इट विल नॉट मेक यू फियरफुल। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मार्केट जाके एक मर्सिडीज़ खरीद के लानी है या BMW खरीद के लानी है, तो शायद ये खरीदना या सोचना दोनों ही थोड़ा सा आपको डर के अंदर लेके आएगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल काम नहीं है। तो इसी प्रकार से जब भी लाइफ में कोई बड़ा डिसीज़न लेते हैं तो हमें डेफिनेटली डर लगता है, और उस डर पर विजय हासिल कर कर ही आगे बढ़ने से हमें सफलता मिल पाएगी। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक मैं बहुत अच्छा मैसेज आपको दे पाया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ देख पाएँ। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।